प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय का पाठ 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है और इसका क्या आधार है। दूसरा बिंदु है विभिन्न लक्षणों के आधार पर हम पदार्थ को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, तथा तीसरा बिंदु है अणु और परमाणु क्या होते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास की चीज़ें देखिए। आपके आसपास आपको मेज, कुर्सी इत्यादि दिखता है, तो ज़रूर आपके मन में इच्छा आती होगी या जिज्ञासा उत्पन्न होती होगी कि ये कैसे बना है, ये कड़ा क्यों है। या आपने घर में पानी देखा है, दूध देखा है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बहुत मन से, तो देखिए ये क्या है, ये कठोर नहीं है, तो ये कठोर क्यों नहीं है। इसी प्रकार हम आसपास के पदार्थों को अगर देखें तो हमें विभिन्न लक्षणों वाले पदार्थ दिखाई देते हैं। बच्चों, ये पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वह होते हैं जो कि स्थान घेरता है और जिसका अपना भार होता है। वह एक छोटे से छोटा पार्टिकल, एक धूल का कण भी ले लीजिए, तो देखिए वो कोई कुछ ना कुछ स्थान अवश्य से घेरता है और उसका भार भी होता है। अतः पदार्थ वे हैं जो स्थान घेरते हैं और उनमें अपना भार होता है। बच्चों, अब पदार्थ को विभिन्न वर्गों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्गों में जब हम बांट लेंगे तो पदार्थ को पहचानना आसान होगा, उनके लक्षणों को जान पाना आसान होगा। ठीक है, अगर आप देखें, आप अपने अगल बगल की चीज़ों को देखिए, जैसे आप पेन उठा के देखिए, ठीक है, आप कुर्सी देखिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आराम से हिलडुल नहीं रही है, कठोर बनी हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ठोस है। बच्चों, इसका अध्ययन अभी हम करेंगे कि किस प्रकार पदार्थों का वर्गीकरण किया गया जाता है। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण किस आधार पर होता है। भौतिक का क्या मतलब है। भौतिक का मतलब है जब पदार्थ के रंग, रूप, आकार, प्रकार की बात की जाए या बाह्य लक्षणों की बात की जाए तो हम कहते हैं उसका भौतिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण क्या है, जब पदार्थ की आंतरिक संरचना, उसके अणुओं के बारे में जाना जाए, उसके अणुओं के का अध्ययन किया जाए, तो उस आधार पर हम उसको कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण। बच्चों, अब आपने देखा कि पदार्थ को का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भाग में विभक्त किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि हमने अभी बताया कि भौतिक का क्या मतलब है, उसके रंग, रूप और संरचना की हम बात करते हैं, जबकि रासायनिक का क्या मतलब है, यहाँ पे हम पदार्थ की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। अतः रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा है मिश्रण। बच्चों, इस वर्गीकरण के अतिरिक्त भी जो पदार्थ हैं इनको विभिन्न लक्षणों के आधार पे तरह तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली बात हम करेंगे अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया पदार्थ का, तो 3 अवस्थाएं प्राप्त हुई, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था।
ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। जब अणु पास पास होते हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होता है। जो दो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसको हम अंतरआणविक आकर्षण बल कहते हैं। बच्चों, क्योंकि ठोस के अणु बहुत पास हैं अतः इनमें आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि इसकी आकृति जो है वो निश्चित होती है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका आयतन भी निश्चित होता है। आप देखिए, आप अगर चौक को लीजिए, चौक को आप किसी गिलास में डाल दीजिए या टब में डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल के देखिए, जब आप चौक वापस निकालेंगे तो जिस तरह के आपने चौक डाली थी वैसे ही चौक आप वापस पाएंगे। क्यों? क्योंकि चौक ठोस है अतः इसका आकार या आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा और यह किसी भी बर्तन में, अन्य बर्तन में जाएगा तो उसका आकार ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये द्रव के अणु है। देखिए, ठोस के अणुओं को ध्यान से देखिए और द्रव के अणुओं को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि द्रव के अणु ठोस के अणुओं के अपेक्षाकृत थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है। तो जब थोड़े दूर दूर है तो इनके मध्य आकर्षण बल थोड़ा कम होगा। तो आकर्षण बल जब कम होता है, यही कारण है कि इसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, माफ़ करिएगा, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जैसे आपके घर रोज़ देखिए दूध वाले भैया आते हैं दूध लेके, कभी आपके घर भगोने में आपने दूध ले लिया, भगोना नहीं साफ़ है तो आपने जग में दूध ले लिया, तो आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि दूध का आकार जब भगोने में डालिए तो भगोने जैसा दिखता है, जग में डालिए तो जग जैसा दिखता है, ग्लास में डालिए तो ग्लास जैसा दिखता है। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि द्रव की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, परंतु अगर एक लीटर दूध है तो भगोने में भी एक ही लीटर आएगा और जग में भी एक ही लीटर होगा, यानी कि उसका आयतन निश्चित होता है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे गैस के अणुओं पे। देखिए, ये जो गैस के अणु हैं वह ठोस के अणु और द्रव के अणु की तुलना में देखिए और भी दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। जब ये बहुत दूर दूर हैं तो इनके मध्य, जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है जिसको हम अंतरआणविक आकर्षण बल कहते हैं, वह आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारणवश ना तो इसकी आकृति निश्चित होती है ना ही इसका आकार निश्चित होता है। आप देखिए, पूजा करते वक्त रोज़ अगरबत्ती जलाई जाती है, जब अगरबत्ती जलती है तो देखिए ये धुआं बन के पूरे कमरे में ही फैल जाती है और दूर दूर तक इसकी खुशबू जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उड़ते हुए वह अणु बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं की ना तो आकृति निश्चित है और ना ही आकार निश्चित होता है। बच्चों, अब हमने ये देख लिया कि अवस्था के आधार पर किस प्रकार से पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। दूसरा हम देखेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उसको हम जल में विलेय पदार्थ कहते हैं, तथा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अघुलनशील होते हैं, उसको हम जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं। आप सोच के देखिए, आपके आसपास के बहुत सारे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील हैं। जैसे चीनी लीजिए, चीनी को घोलिए पानी में, आराम से घुल जाती है। नमक लीजिए, उसको पानी में घोलिए, वो भी आराम से घुल जाता है। आप रेत लीजिए, रेत, उसको जब पानी में घोलेंगे घुलता है? नहीं घुलता है। अतः हम उसको कहेंगे जल में अविलेय, और जो घुल जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? जल में विलेय। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे बिंदु की,
कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर हम पदार्थ को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है जल से भारी पदार्थ और दूसरा है जल से हल्का पदार्थ। जल से भारी पदार्थ और जल से हल्का पदार्थ। आप देखिए, जब हम कागज की नाव, बरसात होती है, सब लोग जल्दी जल्दी कागज की नाव बनाते हैं ना, नाव बना के वो पानी पे तैरा दी जाती है। आप क्या देखते हैं कि आराम से वो पानी पे तैर जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कागज की नाव है उसका भार पानी के भार से क्या है, कम है, इसके कारण वह पानी में आराम से तैर गई। वहीं आप एक ईंट ले लीजिए और उसको आप किसी तालाब में फेंक दीजिए, क्या ईंट तैरने लगती है? नहीं, ईंट तैरती नहीं है, वो नीचे तक चली जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह ईंट जो है, ईंट का भार जल के भार से अधिक है, जिसके कारण वह पानी में डूब गई है। अतः इस प्रकार आपने देखा कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ को भारी तथा हल्की दो अवस्थाओं में विभक्त किया गया। इसके बाद देखिए चौथा है पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो तीन भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनके जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। जैसे कांच, जो खिड़कियों पे कांच लगे रहते हैं उस पे देखिए बहुत आसानी से बाहर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और बाहर से अगर अंदर लाइट जला दी जाए तो अंदर की भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जिन पदार्थों के आर पार जो है प्रकाश चला जाता है या जिन पदार्थों के आर पार से चीज़ें आसानी से दिखाई देती हैं उनको हम पारदर्शी कहते हैं। दूसरा है अपारदर्शी। आप प्लास्टिक का एक शीट लीजिए, क्या प्लास्टिक की शीट, जो मोटी प्लास्टिक की शीट होती है, या लोहे की शीट ले लीजिए, क्या आप उसके पास आसानी से उस पार देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो जिन वस्तुओं के पार आसानी से ना देखा जा सके या बिल्कुल ना देखा जा सके उसको हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। तीसरा है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? आप कभी कागज में तेल लगा के देखिए, जब आप उसको देखेंगे तो धुंधला धुंधला सा उस पार दिखाई देता है, या कुछ इस प्रकार के भी कांच आते हैं जिनके उस पार बड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। यानी प्रकाश जाता तो है लेकिन पूर्णतया पार नहीं हो पाता है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको पारभासी वस्तुएं कहते हैं। बच्चों, फिर है कठोरता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। कठोरता के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, पहला मुलायम पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। क्या आप लकड़ी को हाथ से आराम से चूरा बना सकते हैं? नहीं। तो जो वस्तुएं हमारी उंगली से अच्छे से दब नहीं पाएंगी उनको हम कठोर वस्तुएं कहते हैं। और मुलायम वस्तुएं क्या हैं? वो वस्तुएं जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है उनको हम मुलायम पदार्थ कहते हैं। जैसे आप अपनी कक्षा ही में देखिए, चौक होती है उसको लेके ऐसे मसलिए तो आराम से मसला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डस्टर मसलिए तो क्या आप डस्टर मसल पाएंगे? नहीं। अतः कठोरता के आधार पर भी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। अगला है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण।
तो पदार्थ को इसमें दो भागों में बांटा गया है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा वह पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या हो गया, लोहा है, ठीक है, ये देखिए लोहे की कील होती है, आप चुंबक के पास लेके जाइए तो सारी कीलें क्या होती हैं, उस चुंबक में चिपक जाती हैं, अतः हम कह सकते हैं लोहा कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। परंतु अगर आप कागज है, कागज के पास आप चुंबक लेके जाइए, क्या कागज चिपक जाता है, नहीं, तो कागज कैसा हुआ, अचुंबकीय पदार्थ हुआ। बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि लक्षणों के आधार पर पदार्थों को निम्न छह वर्गों में बांटा गया है और आपने इन सारे वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। बच्चों अब हम ये जानेंगे कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे O2, Cl2, H2O इत्यादि क्या हैं, अणु हैं, यह जो है स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। परमाणु क्या है, परमाणु सूक्ष्मतम कण हैं जिनको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी यह सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। जैसे HClO, Cl का मतलब क्लोरीन होता है, ठीक है, तो क्लोरीन हमेशा अणु के फॉर्म में पाई जाती है, यानी Cl2 के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन भी हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम इकाई होती है किसी भी पदार्थ की। बच्चों हम पहले ये कहते थे कि इसको विभक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या हुआ, बाद में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई जो परमाणु के अंदर पाए जाते थे, अतः ये कहा जा सकता है कि यह फिर से तीन भागों में विभक्त हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसी के साथ आपका यह पाठ पदार्थ एवं पदार्थ के समूह समाप्त होता है और जल्दी ही हम अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।